और दोस्तों कैसे हो? सफर कैसा चल रहा है? मंजिल पे पहुंचना है तो याद रखो, सफर को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। मेरा मानना पता क्या है, मंजिल से ज्यादा मजा ना उस सफर का है जो सफर हमें मंजिल की तरफ लेके जा रहा है। अगर आपको कभी भी ये लगे ना कि यार मैथ पढ़ना है क्या जरूरी है, नहीं। अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो, तो मज़ा उस हिल स्टेशन में पहुंच के नहीं, मज़ा उस सफ़र का है जो उस दौरान आप कवर करोगे। उसी तरीके से IAS तो बनना है, बट छोटे छोटे जो पड़ाव हैं, जैसे CSAT, GS पेपर 2 हो गया, इसके छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे टाइम एंड वर्क आज हम कर रहे हैं, सब चीज़ों को करना बराबर ज़रूरी है। अपने दिमाग में ये कभी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए क्यों करना है, बस करना है। सिलेबस है, मुझे IAS बनना है तो मुझे ये करना है, दैट्स इट। जो बच्चा एक IAS बनेगा ना, वो कभी अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्यों करना है। वो ये अपने आप को सिचुएशन से बाहर रखेगा कि क्यों करना है। वो कहेगा करना है, बात खत्म। ये चीज मुझे IAS बनाएगी तो मुझे ये चीज करनी है, और वो जल्दी करेगा, वो टाइम नहीं लगाएगा, वो जल्दी खत्म करेगा इस काम को। बिकॉज पता है अगला पड़ाव जब ही आएगा जब इस पड़ाव को हम पूरा करेंगे, और इसी पड़ाव से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आप लोगों के लिए। वो क्या है? अभिमन्यु का न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है अभी रिसेंटली, उसके अंदर क्या मिल रहा है आपको भी बता देता हूँ मैं। आपके पास इसकी टाइमिंग है 3 से 4:30, ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच दोनों मोड में अवेलेबल है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। ये क्या है? 4 days a week है। ये कहने को तो 3 से 4:30 है, बट डेली 30 मिनट का ना आपका डाउट सेशन है, डेली हर लेक्चर के साथ डन डाउट सेशन है। टोटल आपके पास क्या है, 180+ लेक्चर्स हैं, जिसमें 50 आपके पास क्वांट के लेक्चर्स हैं, 25 आपके लॉजिकल के, और 15 आपके पास आपके इंग्लिश के लेक्चर्स होंगे। आपके प्रीवियस ईयर लेक्चर्स कितने मिलेंगे आपको? 15। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 50+। और लाइव मेंटरशिप सेशन आपको मिलेंगे 30+, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छे से बताए जाएंगे। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और आप पूछ सकते हैं CSAT के कोर्स के बारे में, या कोई भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहें तो इस पे कॉल कर सकते हैं। बाकी ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन मोड हो। क्यों ये बैच स्पेशल है, क्या आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है? हर लेक्चर की लेक्चर PDF, उसका रिसोर्स प्लस प्रैक्टिस शीट, ये 3 चीज़ें हर लेक्चर के साथ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो है टाइम एंड वर्क। होपफुली आपको कोर्स डिटेल सारी क्लियर होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन है सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास प्रोवाइड कर दी गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज ए बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 20, 30 and 60 days रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। देखो टाइम ऑफ ए कितना दिया अपने को, 20 days। टाइम ऑफ बी कितना दिया हमें, 30 days। टाइम ऑफ सी कितना दिया, 60 days। तो सीधा सीधा इसका आंक बंद करके ऐसे में लीजिए 60 एलसीएम आ गया। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आई अपने पास, 3। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आई, 2। एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई, 1। क्लियर? अब वो क्या कह रहा है कि बी एंड सी असिस्टेड बाय ए ऑन एवरी थर्ड डे। इसका मतलब डे 1 की अगर मैं बात करूं कितना काम हुआ है, 3। डे 2 पे बात करूं, 3। बट जब डे 3 की बात करूं, ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा। तो अब क्या बोलोगे, 3 डे का काम कितना हो गया, 3, 3, 6 और 6, 12 यूनिट हो गया। मुझे कितना काम करना है, मुझे 60 काम करना है। तो भैया काम अगर 5 गुना है तो टाइम भी तो 5 गुना लगेगा, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी, 15 डे। कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इस तरह के प्रश्न के बारे में, और ठा करके आंसर लगा दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ मैं। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका UPSC 2013 का प्रश्न है, करिए इस क्वेश्चन को जरा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन अ गैरिसन देयर वाज फूड फॉर 1000 soldiers फॉर 1 month। यानी आपके पास टोटल वर्क क्या हो गया, आप कहोगे नंबर ऑफ पर्सन कितने, 1000 और 30 days। तो क्या मेरे पास 30,000 मेरा काम हो गया? यस। आफ्टर 10 days 1000 more soldiers ज्वाइंट द गैरिसन। इस केस में आपने सबसे पहले ये काम करना, वर्क डन। मैं क्या कहूंगा भाई, वर्क डन। वर्क डन कितना होगा मेरे पास, आप कहोगे जी
1000 बंदों का 10 दिन का काम हो गया, यानी ये कितना काम हो गया, 10,000 काम हो गया। टोटल काम कितना था, 30,000 यूनिट। ठीक है, अब आपके पास वर्क लेफ्ट, वर्क लेफ्ट कितना, 30,000 था, 10,000 हो गया, कितना बचा, 20,000। अब वो क्या कह रहा है, ये 20,000 काम किसने कर रहा है, 10 मोर डे 1000 मोर सोल्जर ज्वाइन द गैरिसन, नाउ नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो गए, 1000 पहले थे, 1000 अब हो गए, तो कितने हो गए, 2000 हो गए। टोटल वर्क होगा क्या आपके पास, नंबर ऑफ सोल्जर्स इनटू नंबर ऑफ डेज, और वो कितना है, लेफ्ट कितना है, 20,000। तो बेटा ये कितना हो गया मेरे पास, नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हैं मेरे पास, नंबर ऑफ सोल्जर हो गए 2000, नंबर ऑफ डेज कितने हैं निकालने हैं, और ये कितना हो गया, 20,000। तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए अपने पास, ऑप्शन नंबर सी 10 डेज इज द राइट आंसर। तो एक पर्टिकुलर मैनर में आपने क्वेश्चन करना, जल्दबाजी में गलत मत करना, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा शॉर्टकट नहीं बताया, आराम से इस क्वेश्चन को आपने करना है। क्लियर, चलिए 10 डेज सही आंसर था इसका। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ टू मैन एंड थ्री वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज एंड थ्री मैन एंड टू वुमेन इन 7 डेज, इसका मतलब क्या, देखो टू मैन प्लस 8 वुमेन, सो थ्री वुमेन 8 डेज में, और थ्री मैन एंड टू वुमेन इन 7 डेज, तो ये कितना हो गया, 16 मैन प्लस 24 वुमेन इज इक्वल टू 21 मैन प्लस 14 वुमेन, कुछ ऐसा ही। यहाँ से देखो एफिशिएंसी निकलेगी, कितना आ गया, 16 मैन माइनस ऑफ 21 मैन इज इक्वल टू 14 वुमेन माइनस ऑफ 24 वुमेन, तो ये कितना हो गया मेरे पास, माइनस 5 एम इज इक्वल टू माइनस 10 वुमेन, सो मैन अपॉन वुमेन कितना आ गया अपने पास, 2 अपॉन 1 आ गया मैन अपॉन वुमेन। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है, अब ये कह रहा है कि ये काम कौन सा काम भाई, ये काम यानी 2 मैन की एफिशिएंसी 2 प्लस 3 इंटू 1 इंटू ऑफ 8, तो 4 दिन 7, 7 गुना 8 56 काम हो गया। अब ये 56 काम किसको करना है, ये करना है 4 वुमेन प्लस 5 मैन को नंबर ऑफ डेज। क्लियर, तो ये कितना हो गया, 56 इज इक्वल टू 4 वुमेन कितना है, 1 प्लस 5 इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ डेज, तो ये कितना हो गया, 56 इज इक्वल टू 10,014 इंटू डेज, तो कितना हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 4 डेज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, सो दैट वाज वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन, जहां पे पहले मुझे रेशो निकालना था किसका, एफिशिएंसी का, देन आई हैव टू पुट इट इन इनिशियल वैल्यू और उसके बाद मुझे आंसर निकालना था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी एंड डी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, सो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितने दिन में, 20 डेज में, इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 50 डेज, और ए प्लस बी कितना देर में, 50 डेज, ठीक है, एंड सी इन 60 डेज, तो बेटा क्या ये मेरे पास 300 आ गया, 300 आ गया बिल्कुल। अब 300 मेरे पास क्या है, मैंने लिया टाइम का एलसीएम, और ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल वर्क, ठीक है, तो यहां से एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ डी कितनी आएगी मेरे पास, 15, और यहां से क्या निकलेगा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी कितना निकलेगा, 300/50 यानी 6, एफिशिएंसी ऑफ सी कितना निकलेगा, 300/60 यानी कितना, 5। अब देखो जरा मुझे क्या कह रहा है, फाइंड द टाइम इन विच डी अलोन कैन डू इट, यानी वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ डी इनटू एफिशिएंसी ऑफ डी। अब बेटा वर्क देखो, वर्क कितना है मेरे पास, 300, अब देखो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस एफिशिएंसी ऑफ डी कितना है मेरे पास, 15, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना है, 6, सी कितना, 5, एफिशिएंसी ऑफ डी इज इक्वल टू कितना, 15, तो 15 माइनस 11 4 आ गया इज इक्वल टू टाइम ऑफ डी इनटू ऑफ 4, तो ये कितना आ गया आपके पास, ऑप्शन नंबर बी 75 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो ये मेरे पास बी बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। तो प्लीज़
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दैट वीडियो प्लीज प्लीज प्लीज, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए, राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 डेज एंड कंप्लीट द 60% ऑफ वर्क। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ 60% ऑफ वर्क राम प्लस श्याम ने कितने दिन में ख़त्म की, आप कहोगे जी 4 डेज में। इसका मतलब राम प्लस श्याम टोटल टाइम कितना लेंगे, इसको कैसे लिखोगे, 3/5 इज इक्वल टू 44 डेज। तो राम प्लस श्याम ने कितना टाइम लिया, 20/3 दिन, ये कह सकते हो 20/3 दिन लियोगे। ठीक है, राम लीव्स एंड देन श्याम वर्क फॉर 8 more days। इसका मतलब बचा वो 40% काम श्याम ने किया और कितने दिन में, 8 डेज में, यानी 2/5 ऑफ टोटल वर्क डन बाय श्याम इन 8 डेज। तो श्याम ने कितने दिन में किया होगा, 20 डेज में, खत्म बात। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब। ये आपका सीसेट 2016 का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। इसका मतलब टाइम ऑफ राम प्लस श्याम कितना दिया मुझे, 20/3 डेज, और टाइम ऑफ श्याम कितना दिया मुझे, 20 डेज। तो क्या मैं इसका एलसीएम ले लूँ 20, बिल्कुल। तो एफिशिएंसी ऑफ राम प्लस एफिशिएंसी ऑफ श्याम कितना आ गया, 3। एफिशिएंसी ऑफ श्याम कितना आ गया मेरे पास, 1। अगर एफिशिएंसी ऑफ श्याम 1 है तो राम की एफिशिएंसी कितनी है, 2। तो भाई यहाँ पे आ जाओ ज़रा। सो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ राम इनटू एफिशिएंसी ऑफ राम। सो वर्क कितना था अपने पास, हमने 20 लिया था एलसीएम, टाइम ऑफ राम, एफिशिएंसी ऑफ राम कितनी है आपके पास, 2। तो कितना हो गया, 10 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। व्हाई आई एम सेइंग ब्रिलियंट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें अलग अलग दी थी जिसका मुझे मान निकालना था। क्लियर, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। बट आपके पास बहुत एक शानदार चीज़ बची हुई है, शायद एक क्वेश्चन और है मेरे पास, है नहीं, माइक्रो कोर्स ही है। ये माइक्रो कोर्स क्या, व्हाट इज माइक्रो कोर्स, देखो माइक्रो कोर्स एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें मुझे पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, मतलब पूरा क्वांट नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ वही पोर्शन या उसी पार्ट को कंप्लीट करना है जो मेरा इनकम्प्लीट है। जैसे नंबर सिस्टम, या आप सिंपलीफिकेशन की बात कीजिए, चाहे आप टाइम एंड वर्क की बात कर लो। इसका लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपरली मिलेंगे, जाइए और इन्जॉय कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे अवेल करेंगे इसे। चलिए, चूज एग्जाम सिविल सर्विसेज सेट। देखिए 2-3 ऑप्शन है आपके पास। आप माइक्रो कोर्सेज पर जाएंगे तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं, डन। दूसरी बात, यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ रहा है, आप यहाँ से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया होगा। नेक्स्ट इज, जैसे आप जाएंगे आपको मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सब मिलेगा। जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की बात करूँ, जो आज के टाइम में हॉट ट्रेंडिंग दो एक टॉपिक है ना, वो है आपका नंबर सिस्टम। कि बच्चे बेसिकली नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो भैया नंबर सिस्टम देखो कितने का, सिर्फ और सिर्फ 324 रुपये का। क्या इसमें 10 आउटस्टैंडिंग लेक्चर से ऑलमोस्ट 25% डेटा यहीं से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें 421 क्वेश्चन और 9 वेब नोट्स हैं। ये 421 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंक्लूडेड है और बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए एक से एक। जैसे मैं बात करूँ सिंप्लीफिकेशन, ऑलमोस्ट 16% है, परसेंटेज आपके पास 9% है। अब देखो जैसे परसेंटेज का 167 में 4 लेक्चर्स हैं, 4 वेब नोट्स और 277 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब 277 क्वेश्चन को अवेल जब आप करेंगे ना, खरीद लेंगे इसको, तो आपको क्या मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे 6 मिनट का आपको ट्राई भी दिया गया है। ये 277 क्वेश्चंस को आप एमसीक्यू के तौर पे दे सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ इसका, आप क्या कर सकते हैं, इसका आप 25-25, 30-30 का बंडल बनाइए और इसको एज अ टेस्ट, एज अ सी सेट के टेस्ट के रूप में भी आप दे सकते हैं। तो इनडायरेक्टली आपको सी सेट का पर टॉपिक का टेस्ट भी मिल रहा है इसके साथ। क्लियर, ऐसे ही आप किसी भी चैप्टर का देख सकते हैं। जैसे अभी हमने टाइम एंड वर्क किया, देखो टाइम एंड वर्क 140 रुपये का 3 लेक्चर्स हैं, 2 वेब नोट्स और 283 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मेरे पास। क्लियर, जैसे मैं बात करूं आपके पास, आप अदर्स की लॉजिकल रीजनिंग में भी ऐसा ही आपके पास पूरा 2641 का, बट सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे अरेंज किए हुए हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सारे के सारे जो भी हैं आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। थैंक यू।